फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा क्रोशेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ठाकुर जी की ड्रेस का एक नया डिज़ाइन। ये देखिए, मैंने 5 नंबर के ठाकुर जी की चोली तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, हमारे पास 5 नंबर के ठाकुर जी हैं ना, इसीलिए मैं ज़्यादातर उन्हीं के साइज़ की ड्रेसेस तैयार करती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ की बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके चोली के एंड में हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर घेरा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। उसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद 2 चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक कली बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ के नेक्स्ट में बनाएंगे, एक कली और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी जगह पे फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, जब हम एक कली से दूसरी कली बनाएंगे तो यहाँ सेंटर में चेन नहीं लेंगे, ठीक है। एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में फिर से कली बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए एक इस तरह से कलियाँ बनाते जाएंगे, पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट कली जो बनाई थी उसकी 3rd चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए, यहाँ पर चोली के एंड में हमारे पास 28 डबल क्रोशिया थे। एक एक छोड़ के हमने कली बनाई, एक एक डबल क्रोशिया का गैप किया बीच में, तो इससे हमारे 14 कलियाँ बनी। टोटल 14 कलियाँ तैयार हुई हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करके कली के सेंटर में आ जाएंगे। अब 3 चेन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लाएंगे और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उस कली के ऊपर हमने सेम दोबारा एक और वैसी कली बनाई है। देखिए, जैसी नीचे थी ऐसे ऊपर एक और बनाई है। अब फ्रेंड्स, बीच में यहाँ चेन नहीं ली थी ना, अब चेन लेंगे और दूसरी कली के ऊपर सेम कली बनाएंगे। देखिए, जो पहले बिना चेन के कली बना रहे थे हम, अब हम एक चेन लेके सेंटर में सेम राउंड कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही बीच में एक एक चेन लेते जाएंगे और कली के ऊपर सेम कली बना देंगे। तो इसी तरह से ये राउंड सेकंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 3rd चेन में इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब स्लिप स्टिच से फिर से कली के सेंटर में आ जाएंगे और 3 चेन लेकर इसी तरह से फिर से एक कली बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, बीच में 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट राउंड में हमने चेन नहीं ली, यहाँ पर एक चेन ली है। अब 3rd राउंड बनाएंगे, उसके अंदर हम 2 चेन डालेंगे सेंटर में। 2 चेन डाल दी और फिर से एक कली के ऊपर एक और कली तैयार करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और फिर उसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कली तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बिना चेन का राउंड है, इसमें 1 चेन है, इसमें 2 हैं,
इसके बाद एक राउंड और बनाना है, उसके अंदर हम बीच में तीन चेन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो की चेन वाला राउंड और तीन, जिसमें तीन चेन डालेंगे उससे नेक्स्ट राउंड है, वो वहाँ तक आपको बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चार राउंड पूरे कर लिए हैं। ये देखिए, ये कलियों का फर्स्ट राउंड बनाया था जो, इसमें हमने कोई चेन नहीं ली थी। फिर जो सेकंड राउंड बनाया उसके अंदर एक चेन ली। ये जो थर्ड राउंड बनाया है इसके अंदर दो चेन है यहाँ पर सेंटर में, और ये जो फोर्थ राउंड बनाया है इन दोनों कलियों के सेंटर में यहाँ पर तीन चेन है। तो इस तरह से हमने कलियों के चार राउंड पूरे कर लिए हैं। अब यहाँ पर तीन चेन लेकर थर्ड चेन में इसको राउंड को ज्वाइन कर देंगे। अब नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कलर और डिज़ाइन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पीछे से शुरू कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका और भी बड़ा घेरा बना सकते हैं, और राउंड बना के कलियों के घेरे को बड़ा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नॉट लगा लेंगे, तीन चेन लेंगे, इस कली के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया चेन है जो, और ये दूसरा हो गया। तीन, चार और ये पांच, टोटल हमने पांच डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए, एक दो तीन चार, चार चेन ले लेंगे और नेक्स्ट कली के अंदर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर से चार चेन लेंगे, नेक्स्ट कली के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच डबल क्रोशिया, चार चेन, फिर यहाँ पे ज्वाइन किया, फिर चार चेन ली, फिर पाँच डबल क्रोशिया किया, फिर चार चेन लेंगे, चार चेन ली और नेक्स्ट कली में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स ये राउंड पूरा करेंगे चार चेन लेके। अब नेक्स्ट में पांच डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे यहाँ पे किए ऐसे सब आगे भी करेंगे। एक जगह एक कली में ज्वाइन, नेक्स्ट में पांच डबल क्रोशिया, सेंटर में चार चार चेन लेते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये राउंड पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर चार चेन लेकर यहाँ पर थर्ड चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, तीन चेन लेंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नीचे पांच डबल क्रोशिया हैं तो सबके ऊपर हम दो दो बार बनाएंगे, तो ऊपर 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पांच के ऊपर दो दो बार बना के हमने 10 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए चेन है जो, यहाँ पर इस तरह से हाफ क्रोशिया करेंगे चार बार, चार बार कर लिया। अब ये दूसरी साइड भी चार बार कर लेंगे, एक दो तीन चार। अब ये वाले पांच डबल क्रोशिया हैं जो, इनके ऊपर फिर से ऐसे ही हमने 10 बार बना लेने हैं।
हर एक के ऊपर दो दो बार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, पांच के ऊपर 10 बनाएंगे, यहाँ पर चार चार हाफ क्रोशिया करेंगे। तो ये सारे में इसी तरह से यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का दूसरा राउंड भी हमने पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर सेकंड चेन में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब नॉट लगाकर धागा कट कर देंगे। और इस धागे को पीछे ले जाएंगे, पीछे एडजस्ट करके एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, जहाँ पर फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें से धागे को निकालेंगे। एक नॉट लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार, सॉरी तीन चेन लेंगे। ये हमने तीन चेन ली, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट पे बनाएंगे, ये दो हो गए, ये तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। फ्रेंड्स 10 ग्रीन कलर के जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने 10 बार रेड कलर के डबल क्रोशिया कर लिए। अब इसको टर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक दो तीन चार चेन लेंगे। चार चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड में ज्वाइन करेंगे। फिर से चार चेन लेंगे, एक छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन कर देंगे। फिर से चार चेन लेंगे, एक छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन कर देंगे। चार चेन ले लेंगे, फिर से एक छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन कर देंगे। एक दो तीन चार, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से पांच लूप तैयार हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसको टर्न करेंगे। दो चेन लेंगे और फर्स्ट, ये जो फर्स्ट लूप है ना, दो चेन लेने के बाद इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चार चेन लेंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से, फिर से चार चेन लेंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन कर देंगे। फिर से चार चेन लेंगे, नेक्स्ट लूप में ज्वाइन करेंगे। फिर से चार चेन लेंगे और लास्ट लूप में ज्वाइन कर देंगे। अब इसको टर्न करेंगे। देखिए दो चेन लेंगे और फर्स्ट लूप में ज्वाइन कर देंगे। चार चेन लेंगे, नेक्स्ट लूप में ज्वाइन करेंगे। फिर से चार चेन लेंगे, नेक्स्ट लूप में ज्वाइन करेंगे। फिर से चार चेन लेंगे और ये लास्ट लूप में ज्वाइन कर देंगे।
अब टर्न करेंगे, दो चेन लेंगे। जब हम टर्न करते हैं और शुरू करते हैं राउंड को, तो बस दो चेन लेनी होती है। दो चेन लेके इसमें ज्वाइन कर देना फर्स्ट लूप में। अब चार चेन लेंगे इस तरह से, फर्स्ट लूप में ज्वाइन करेंगे, फिर से चार चेन लेंगे और ये नेक्स्ट लूप में ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर से दो चेन लेंगे और इस वाले फर्स्ट वाले में ज्वाइन करेंगे, फिर चार चेन लेंगे और इसमें ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने स्ट्रॉबेरी की शेप दी है। शुरू में एक दो तीन चार पाँच लूप थे, फिर एक दो तीन चार हो गए, फिर एक दो तीन हो गए, फिर एक दो हो गए और फिर एक रह गया। जब ये एक रह जाएगा तो हम इस तरह से नोट लगा के धागे को कट कर लेंगे और इस धागे को एडजस्ट करेंगे, दो तीन जगह एडजस्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, फिर दूसरी जगह कर देंगे। फिर दूसरी जगह करके इस तरह से हम धागे को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्ट्रॉबेरी की शेप आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें ये जो बने हुए हैं अलग से 10 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर इसी तरह से रेड कलर के 10 डबल क्रोशिया करके स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और बता देते हैं आपको। ये देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम धागा अटैच करेंगे, तीन चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से 10 डबल क्रोशिया के ऊपर, 10 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे रेड कलर के। देखिए कर लिया हमने, अब इसको टर्न करेंगे, एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे, फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकंड में इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर चार चेन लेंगे एक छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर से चार चेन लेंगे एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर से चार चेन लेंगे फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, चार चेन लेंगे एक छोड़ के लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से पांच लूप तैयार करेंगे। अब दो चेन लेनी है, दो चेन लेके इसमें ज्वाइन कर देंगे। अब पांच के ऊपर हमने चार लूप तैयार करने हैं, एक दो तीन चार चेन ली, ज्वाइन किया, फिर से चार चेन ली, फिर से हम ज्वाइन करेंगे इसको, फिर से चार चेन लेंगे नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर से चार चेन लेंगे और लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। टर्न करेंगे, जब टर्न करते हैं तब बस दो चेन लेकर राउंड को शुरू करना है, ऐसे ज्वाइन कर दिया और फिर चार चेन लेते जाएंगे, चार चार चेन लेके इस तरह से लूप बनाते जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम पांच लूप बनाते हैं, फिर चार हो जाते हैं,
फिर तीन का दो कर देते हैं, दो का एक, और फिर बंद कर देते हैं राउंड को, कंप्लीट हो जाती है स्ट्रॉबेरी। चार चेन लेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे लूप के अंदर, फिर से चार चेन लेंगे नेक्स्ट लूप के अंदर ज्वाइन करेंगे, फिर टर्न करेंगे, दो चेन लेंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे फर्स्ट के अंदर, फिर चार चेन लेंगे और लास्ट ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी की शेप आ गई। अब हम इसको नॉट लगा के वूल को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्ट्रॉबेरी बनाएंगे और इस वूल को पीछे यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक एडजस्ट करते हुए फिर कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन सभी जगह पर आपको स्ट्रॉबेरी बनानी है इसी तरह से जो मैंने आपको दो बार ये पैटर्न बताया। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप ये कलियाँ बनाएंगे तो इनको इवन नंबर में बनाइएगा, ऑड नंबर में मत बनाइएगा, तभी ये डिज़ाइन सही बैठेगा, नहीं तो ये पास पास हो जाएंगे, एक ये कम रह गई तो कली, तो इसीलिए एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये वाला डिज़ाइन, एक बार ये वाला, इस तरह से आना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने एक ड्रेस बना रखी है सेम जो आपको अभी बताई है। देखिए, ये हमने सब में स्ट्रॉबेरी बना रखी है, इसमें मैंने दूसरे कलर्स लगाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वूल है ये मैंने बारीक लिया है, इसका टेक्सचर बारीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए, ऊपर 10 बनाए, इसके अंदर मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसके ऊपर 12 बनाए हैं, 6 के ऊपर 12 किए, फिर ये भी 12 हैं, और देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लूप है ना, इसमें 5 है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये इसलिए हमने इसमें कम रखे हैं क्योंकि ये वाली वूल का टेक्सचर मोटा है, ये बारीक ऊन है, इसमें ज़्यादा बनाए इसलिए। ठीक है, आप भी ऊन के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।